स्टूडेंट्स, आज हम परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न की एंट्री करेंगे। परचेज और सेल्स की एंट्री मैंने बताई थी, जो चीज़ आएगी बिजनेस में वो डेबिट और जो चीज़ जाएगी वो क्रेडिट। ठीक है, परचेज करने पर माल आता है तो परचेज डेबिट किससे आया, अजय से आया। अब हमने जब माल खरीदा, कुछ माल ख़राब निकला, हमने वापस कर दिया अजय को। ठीक है, तो अजय डेबिट टू परचेज रिटर्न। परचेज ऊपर लिखा है तो परचेज रिटर्न नीचे लिखेंगे, मतलब उल्टी एंट्री बनती है। ठीक है, सेल्स नीचे लिखा है तो सेल्स रिटर्न ऊपर लिखेंगे। तो अब हमारे पास जब माल आया था तो डेबिट हुआ था, ठीक है, रिटर्न करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। अब हमने माल बेचा था, माल बेचते हैं तो क्या होता है, पैसा आता है, लेकिन यहाँ पर उधार की एंट्री है। मतलब माल बेचा लेकिन पैसा अभी तक आया नहीं, यानी कि हमने नाम लिख लिया पार्टी का, राजीव से पैसा आना बाकी है। तो राजीव को हमने माल बेचा, उसको हमने लौटाया, तो लौटाने की एंट्री क्या होगी, सेल्स की उल्टी एंट्री बना देंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राजीव। ओके, तो इस तरीके से परचेज की उल्टी परचेज रिटर्न, सेल्स की उल्टी एंट्री सेल्स रिटर्न।